Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. सुबह के बज रहे हैं 6:30 और इतनी जल्दी मैं कैसे उठा, रीज़न ये था कि मैं रात को सोया ही नहीं, क्योंकि व्लॉग मुझे एडिट करना था, फिर उसके बाद से अपलोड, और अपलोड मैं यहाँ पर कर नहीं सकता क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, फिर रिचार्ज हो गया ख़त्म। आज रात में सारा सामान हम वहाँ पर पहुँचा देंगे, फिर मैं आज वहाँ पर वाईफाई वगैरह लगवा लूँगा, तो यहाँ पर रिचार्ज करवाना बेकार है, बिना वजह के हमारा पूरा महीने का रिचार्ज वेस्ट होना है। तो मैं पुराने वाले घर पे गया था, वहीं से तो प्रॉपरली मैंने वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया है, जो कि आपने एटलीस्ट कल देख लिया होगा, कल वाला वीडियो था वो। तो फाइनली अब सोते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं थोड़ी बहुत देर के लिए ही सो पाऊंगा, 3 से 4 घंटे, फिर उसके बाद से उठना है और सामान पैकिंग में लगना है। मुस्कान तो आराम से पड़ी भी सो रही है, बेफिक्र। चलो कोई, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग तो हो ही रही है, मिलते हैं हम आपसे सो के उठने के बाद। तो फाइनली हो गई है मेरी सुबह, यानी कि 4 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठ गया हूँ। अब सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे करना था वीडियो अपलोड, और वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे पास वाईफाई नहीं था। मैं गया अपने पुराने वाले घर पे और वहाँ पर नीचे गेट पर बैठा हुआ था, हालांकि वहाँ पर अंदर से लॉक हुआ हुआ था और मैं ऐसे किसी को परेशान करता नहीं, तो मैं वहीं जीने पर बैठ गया गेट पर ही। तो वहाँ गेट पर बैठने के बाद मैं अपलोडिंग मैंने लगा ली, लिटरली इतनी हल्की स्पीड आ रही गाइस कि 15 मिनट के अंदर सिर्फ 40 MB अपलोड हो सकी थी। मैंने कहा यार क्या करना है अब, तो फिर मेरा दिमाग दौड़ा, मैंने कहा यार हमारे केजरीवाल किस काम आएंगे भाई, हमारे केजरीवाल साहब के जो वाईफाई लगे हुए, मैंने उसको रजिस्टर्ड किया, कोड वगैरह डाला, ओ भाई लिटरली इतनी खतरनाक स्पीड आ रही है, मैंने क्या हो जे जे केजरीवाल जिंदाबाद। तो सुबह वीडियो अपलोड करने का मेरा कुछ काम इस तरह से हुआ, हालांकि क्या क्या जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मुझे भागा दौड़ी करनी है, और आज बहुत सारे काम है, क्या क्या काम होंगे सब कुछ शेयर करूंगा। तो पहले मैं जाने के लिए हो गया हूँ रेडी, मैंने अपना वाईफाई का राउटर वगैरह सब कुछ यहाँ से उतार कर पैक कर लिया है, क्योंकि बिकॉज मुझे पहले वहाँ पर वाईफाई का अरेंजमेंट करना है, फिर उसके बाद से शिफ्टिंग करनी, क्योंकि वाईफाई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब निकलते हैं, धूप थी सडनली, मौसम अच्छा हो गया, चलो वेल डन, मजा आएगा, 4 चांद लगे। अब हो गया हमारा शिफ्टिंग करने का सफर स्टार्ट, यानी कि ये जो छोटा मोटा जितना भी सारा सामान है, इन सभी को हमें पैक करना होगा उतारने के बाद, और ये जो LED है, पहले मैं इसका बॉक्स वगैरह निकाल कर इसको बॉक्स के अंदर फिट कर रहा था। चलो यार खड़ी हो जाओ ना, वो बॉक्स यार बॉक्स निकलवाओ, तुम्हारा सबवे सर्फर्स क्या यार, वाईफाई बंद हुआ तो तुम्हारा हाथ में दूसरा काम लग गया, कल वाईफाई स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। अभी हमारा सामान सब कुछ यहाँ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, मतलब इसको हम उठाएंगे, और इसके अंदर हमारा LED का बैग है। ये हटाओ यार क्वेश्चन से, देखो वो रखा, ये LED का बॉक्स, अरे वैसे खिंच जाएगा, मैंने निकाल लिया LED का बॉक्स, इतना बड़ा लग रहा है यार, इतना बड़ा तो TV भी नहीं लग रहा। तो गाइस अभी हमारी फिलहाल LED वगैरह पैक हो चुकी है, बाकी इसके अलावा ये करते हैं, मगर हमारी चाय की जो उसकी साथ में चल रही है। अब बारी है मुस्कान की, मुस्कान इतने ये जितने भी सारे पत्ते यहाँ लगे हुए हैं सब निकालने की बारी आ गई है, तो मुझे काम मुस्कान का है। क्यों, चलो रेडी हो, फटाफट जल्दी स्टार्ट हो जाओ। इतनी मेहनत से हमने डेकोरेट की थी ये सारी वॉल, मगर देखो क्या हाल हो गया है। और एक होम थिएटर मैंने ये उतार दिया है, इसके स्पीकर्स उतारने बाकी रह गए अंदर, यहाँ सब जगह से स्पीकर्स वगैरह उतार लें, इतनी मेहनत से किया था हमने, बिकॉज चलो कोई नहीं, बाय द वे एक दिन लगेगा मगर कर लेंगे। सिल्वर प्ले बटन हम पहले रखते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या सीन है, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत आ रही है, अभी आ चुकी है, तो पहले इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, फिर उसके बाद सारे काम बाद में करेंगे। मुस्कान ने इस वाली वॉल का भी कर दिया बिगाड़ खाना, क्यों, और हमारा सिल्वर प्ले बटन यहाँ पर आके रख गया, कम्प्लीट पैकेट हो गया रेडी, उसको भी निकालना है। अब बारी आती है हमारी इस वाली लाइट को खोलने की, खोल के और इसको बॉक्स में डालेंगे। चलो जी वो भी पैक हो गया, और ये स्टैंड इसको बंद कर दो यार, बाकी लाइट का ये देखो कुछ ऐसा हाल हो गया, फोकस वाली लाइट मैंने खोल के रख दी है, ये इसके स्टिक्स वगैरह आ गए सब कुछ, ये इसके बाकी CFLs आ गए। तो गाइस देखो हमारे स्टूडियो का कैसा नक्शा पलट गया है, सारी हमने वॉल बिल्कुल क्लीन कर दी है, ये सब कुछ उतर जाएगा, AC हम उतारेंगे लास्ट में, क्योंकि बिकॉज बहुत गर्मी लगेगी। क्यों जी, सारा सामान ये जितने भी सारे फ्रेम्स टुकड़े वगैरह सब कुछ यहाँ आ चुके हैं, और इसके अलावा जितना भी हमारा सामान पैकिंग का है, इसको अभी हमें बॉक्स में डालना है, ये जितना भी सारा छोटा छोटा सामान है बड़े बॉक्स में डलेगा, बिकॉज अभी हो रहा है रात का टाइम, तो इस वजह से बॉक्स लाएंगे हम दोपहर को। होम थिएटर का बॉक्स कहाँ रखा हुआ, मेरे ख्याल से मचान पे है ना, पक्की बात, अभी जाएंगे हम कचोरी वगैरह खाने के लिए, क्यों बजाना था क्या, अब इतना टाइम थोड़ी बेटा बजाने बजाने का, हाँ ये लैंप उतारने बस, शादी वाला मास्क हाँ शादी का लैंप दिया था ना ये वाला, आज तक अभी तक रखा हुआ है, देख लो निशानी है किसकी, एक साल मतलब किस कदर घर गंदा हो रहा है, थोड़ा बहुत क्या चीज किस कदर कबाड़ा सा लग रहा है मेरा हाल,
ये है लास्ट पल। तो कल एक स्पेशल सॉन्ग के साथ में एंजॉय करेंगे, एक ही छोटा स्पीकर लगा लेंगे, होम थिएटर लगा लेंगे। गिटार होता तो मजा आ जाता है यार। फिलहाल आप जाइए गिटार लाना, जाइए कचौड़ी खाओगी, कचौड़ी कचौड़ी। हमें सारे यहाँ की स्टूडियो की और पूरे घर की पैकिंग वगैरह करते हुए सुबह के 6:15 बज चुके हैं और अब हमें लगी थी हल्की हल्की भूख, तो अब फाइनली हमारी पूरियां वगैरह और साथ में हलवा मट्ठी पूरा पैक वगैरह होकर आ गया है, तो अब खाएंगे फिर उसके बाद से सोते हैं। ब्लॉग अपलोड भी करना यार, वाईफाई है नहीं। फाइनली गाइस हमारा गुड मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है, कचौरी वचौरी अच्छे से हमने खा ली है। बस अभी हमने क्या प्लान किया है, और प्लान हमारा ये है सारा जितना भी सब सामान है इसको हम साइड कर देंगे, और ये सामान हमने ऑलरेडी पैक कर लिया है। बाकी हमारा ये उसके बाद एसी रह जाएगा, अलमीरा रह जाएगी, तो बाकी ये सब हम करने वाले हैं सुबह। आई मीन सुबह तो हो ही रही है, मतलब 7 बजे का वक्त है, सो के उठने के बाद करने वाले, क्योंकि बिकॉज अब हिम्मत है नहीं। बस जब हम सो के उठेंगे तो इसको हम पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर हमारा नीचे बाहर टेम्पू लग जाएगा इवनिंग में यानी कि शाम के टाइम, और हमारा सामान जहाँ पर हमने शिफ्ट किया है वहाँ पर पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक ही बारी में सारा पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पर सामान ले जाके फिर प्रॉपरली अच्छे से डेकोरेशन करनी है, और कुछ सामान जो एक्स्ट्रा में लेके आना है वो भी लेकर आएंगे। क्या क्या करना पड़ेगा यार अभी तो फिलहाल पता नहीं, हालांकि आज मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सवाल है ये नोटबुक हो गई, और बाकी ये चार्जर हो गए, हाँ इसके अलावा यार ये बहुत ध्यान से लेके जाना है, कभी इसमें शीशे कांच वगैरह ना वो टूट जाए। क्यों, एक प्लस ये टेबल हो गई, साथ में एक वो वाली टेबल हो गई, टेबल का हाल देखो कुछ ऐसे चल रहा है। हालांकि इसमें अभी छोटा मोटा सामान बाकी है, उसको भी हम बाद में कर लेंगे, मगर अभी भाई नींद आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। सो फाइनली गाइस वक्त है सुबह 7 बजे का, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं नींद में हद से ज़्यादा हो रहा हूँ। बाकी मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए घर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।